आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। हरियाणा के छावनी में 630 केवीए के ट्रांसफार्मर में मंगलवार को दिन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग विकराल रूप देख लोग भागने लगे। इसी दौरान लोगों ने बिजली आपूर्ति कटवाने के बाद आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। तब तक आग विकराल रूप धारण कर लिया। छावनी में आग लगने की सूचना पाकर कस्बा इंचार्ज ज्ञान प्रकाश यादव भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और आग फैलने की आंचका को देखते हुए आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंच गई और धू धू कर जल रहे बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि कि कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। उधर आग लगने के बाद बिजली ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया। घटना स्थल पर पहुंचे चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद अरशद रियाज, विनय कुमार गुप्ता। भाजपा के चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी संजीव गुप्ता समेत स्थानीय लोगों का कहना था कि समय रहते ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था।